जो वुहान में समझ बनी थी उसके परिणाम स्वरूप जो वहां हुआ उसमें जहां डोकलम भी आता है, पहली बात यह हुई कि दोनों नेता अपने अपने मिलिट्रीज को ये निर्देश दे दें कि अगर नीचे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई मतभेद होता है, तो उसे नीचे स्तर पर सुलझाएं, कोई विवाद न बनने दें। और उसी के फलस्वरूप चीन के रक्षा मंत्री भारत आ रहे हैं। दूसरी चीज जो वहां तय हुई इन दोनों मीटिंग्स में, जो फॉलो अप था वुहान का, उसमें यह तय हुआ कि चीन और भारत के लोगों के बीच में संपर्क बढ़े, इसके लिए भी एक तंत्र बना जो विदेश मंत्री के स्तर पर बना, जिसके लिए विदेश मंत्री उनके इस वर्ष के अंत में यहाँ आ रहे हैं। तो फॉलो अप के तौर पर ठोस उपलब्धियां भी हुई हैं। आप लंबा जवाब नहीं चाहेंगे वरना मैं सारी ठोस उपलब्धियों का जिक्र करती। जहां तक डोकलम का सवाल है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि डोकलम बहुत ही परिपक्व कूटनीति के साथ सुलझा लिया गया है और फेस ऑफ साइट पर यथास्थिति बनी हुई है। एक तिलभर भी अंतर डोकलम की स्टैंड ऑफ साइट पर नहीं हुआ है।